नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A16e वर्सेस EQ Z6 Lite 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A16e में 2.97 इंच जबकि Z6 Lite 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A16e में 0.31 इंच जबकि Z6 Lite 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo A16e से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A16e में 175 ग्राम्स जबकि Z6 Lite 5G में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A16e से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A16e में 6.52 इंचेस जबकि Z6 Lite 5G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo A16e में 720x1600 और Z6 Lite 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A16e में 83% जबकि Z6 Lite 5G में 84.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A16e में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Z6 Lite 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A16e में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Z6 Lite 5G की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A16e में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Z6 Lite 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। चिपसेट की बात करें तो Oppo A16e में MediaTek Helio P22 और Z6 Lite 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A16e में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि Z6 Lite 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A16e में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Z6 Lite 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo A16e में Android V11 जबकि Z6 Lite 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Oppo A16e में 4230 mAh जबकि Z6 Lite 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Oppo A16e में 3 कलर्स जबकि Z6 Lite 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo A16e में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 9,490 रुपीज़
4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z6 Lite 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A16e में 5 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OPPO Z6 Lite 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Z6 Lite 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G22 4G है, दूसरा पोको M4 प्रो है, तीसरा नोकिया G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 9 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।